सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू HP फोटो एडिटिंग। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसा फ़ोटो एडिटिंग के बारे में। यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरा कोई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो। ये वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है दोस्तों। सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका वीडियो ये कैसा लगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है हामिद और आप देख रहे हैं HP फोटो एडिटिंग। सो लेट्स स्टार्ट नाउ दिस वीडियो। दोस्तों सबसे पहले पी कार्ड ओपन करना है, उसके बाद एडिट फोटो में जाना है। एडिट फोटो में जाने के बाद हमें एक बैकग्राउंड ऐड कर लेना है। सभी बैकग्राउंड का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप जाकर लोड कर सकते हैं। सो हमारे पास वो बैकग्राउंड है। सो बैकग्राउंड हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहां से। ये रहा हमारा बैकग्राउंड, इसमें ये हमारा बैकग्राउंड सेव किए हुए हैं। तो ये रहा बैकग्राउंड, इस बैकग्राउंड पे हम क्लिक करेंगे। ये हमारा बैकग्राउंड पी कार्ट में ऐड हो रहा है। सो वेट कर लीजिएगा और देखिए ये हमारा पी कार्ट में ऐड हो चुका है। उसके बाद हम ऐड फ़ोटो में जाएंगे और हम जो मॉडल का जो मेरा फ़ोटो है उसको हम यहाँ सेट कर लेंगे। और इसको सेट करने के बाद ओपेसिटी कम करके इसको हम इरेज करेंगे। हम इसे फटाफट इरेज कर लेते हैं, आप इसे आराम से इरेज करिएगा। सो इरेज करना बहुत ही ज़्यादा इजी है दोस्तों। ये देखिए हम इरेज कर लेते हैं इसे। आप चाहे तो आप इसे पहले से इरेज करके रख सकते हैं। सो हम इसे इसी में इरेज कर लेंगे। ये हमारा हैंड के पास अच्छी तरीके से इरेज करेंगे। फेस के ऊपर, फेस के पास भी हम अच्छे तरीके से इरेज करेंगे। सो हम इसे फटाफट इरेज कर लेते हैं। उसके बाद हम इसे फिर से एडिट करेंगे। सो ये हमारा इरेज हो रहा है। इरेज करने में कहीं पे कुछ भी मिस्टेक हो जाता है दोस्तों तो आप री इरेज पे आप क्लिक करके उसे मिस्टेक को, ये देखिए हमारा ये फोटो इतना इरेज हो चुका है। सो इस पर फिर से हम इरेज वाले आइकन पे क्लिक करके इसे इरेज करेंगे। ये हमारा फ़ोटो अभी पूरे तरीके से इरेज नहीं हुआ तो सो इसे हम फटाफट इरेज कर लेंगे। इरेज करने के बाद देखिए हमारा यहाँ पे इरेज हो चुका है फ़ोटो। उसके बाद ऐड फ़ोटो पे जाएंगे और यहाँ से ये वाला PNG ऐड करेंगे। ये सभी PNG का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे दोस्तों, वहाँ से जाके आप लोड कर सकते हैं। ये शतरंज का PNG को हम अच्छी तरीके से यहाँ पे सेट कर लेंगे सो ऐसा लगे कि हम उस पर बैठे हुए हैं। सो इसे हम इरेज वाले आइकन पर क्लिक करके इसे भी हम इरेज करेंगे ताकि हमारा जो फ़ोटो है वो लगे कि हम हाँ रियल में हम अपने शतरंज के ऊपर बैठे हुए हैं। सो हम देखिए हम इसे अच्छी तरीके से इरेज करेंगे। आप भी कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से इरेज करिएगा थोड़ा। ये इरेज होने के बाद फिर से हम, ये देखिए हमारा इरेज हो चुका है। फिर ये देखिए ये हमारा PNG परफेक्ट सेट हो गया। उसके बाद हम साइडों वाला PNG ऐड फोटो में जाकर ऐड कर लेंगे और इसे भी हम परफेक्ट सेट करेंगे। सो देख सकते हैं हम अपने साइडों को भी हम परफेक्ट सेट। उसके बाद हम सेव कर लेंगे और थ्री डॉट पे ड्रॉ पे जाकर थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ से सेव कर लेंगे। ये हमारा PNG सेट हो चुका है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इन दोनों में से कोई वीडियो को आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।